हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जियो खान के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम निडारिया। और इस फाइलम निडारिया की बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और ये इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी का रिमेनिंग पोर्शन भी था। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? निडारिया की एक क्लास है एंथोजोआ, उसके अंदर अपने को कॉरल्स पढ़ना होता है। कॉरल्स में अपन देखेंगे कि उसका टाइप्स क्या है, हर्माटिपिक कॉरल्स, अहर्माटिपिक कॉरल्स, ठीक है। उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है और इसका बहुत ही एक हॉट इश्यू बना हुआ है कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग को अपन डील करेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे होती है, क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव आस्पेक्ट है, उसका होना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये भी अपन डील करेंगे। इसके साथ साथ में अपन देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल सी है इसकी, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट मॉर्फोलॉजी आप इसकी ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसमें सीधा सा। अपन देखो इसका जो फाइलम है, फाइलम इसका है आपका निडारिया, ठीक है। निडारिया को अपन निडारिस भी बोलते हैं, निडारिस। और इसकी जो क्लास है वो है एंथोजोआ, और एंथोजोआ का जो दूसरा नाम है वो आपका एक्टिनोजोआ, ठीक है। इनको आप फ्लावर्स ऑफ ओशंस बोलते हैं, एंथोजोआ ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लावर्स ऑफ द ओशंस आर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। अब इनकी जो बॉडी होती है वो सेक लाइक बॉडी होती है। सेक लाइक बॉडी मतलब क्या है कि होलो ट्यूब लाइक बॉडी होती है, ठीक है। होलो बॉडी होती है, स्पेस होता है उसके अंदर। और ये जो जितने भी इनके ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह की सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि आपको रेडियस के अलोंग सिमेट्री मिल रही हो, मतलब उसके लिए शेप कैसी होनी चाहिए, या तो सर्कुलर शेप होनी चाहिए या स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेन पास कर रहा होगा जिसके थ्रू अपने को टू इक्वल हाउस मिल सके, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो जो ये आपका एंथोजोआ है या इसका दूसरा नाम एक्टिनोजोआ है, ये आपको सिर्फ पॉलीपोइड स्टेज में मिलते हैं, ठीक है। अब पॉलीपोइड स्टेज क्या होती है इसको अपन डील करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ ओनली फाउंड इन पॉलीपोइड स्टेज, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है यहाँ से। अब देखो इसके अंदर अपने को जो पढ़ना है वो है कोरल्स, ठीक है। तो कोरल्स का सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वह उसकी एज रेंज। तो इसकी रेंज है वो ऑर्डोविशन टू रिसेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कोरल्स की एज रेंज कितनी है, ऑर्डोविशन टू रिसेंट। अब देखो ये जो कोरल्स हैं ये आपके बेंथिक और सेसाइल नेचर के हैं। बेंथिक और सेसाइल कौन से होते हैं ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप फिर से समझ लीजिए। देखिए ये मान लो आपका कोई बेसिन है और ये बेसिन की सरफेस है, तो सरफेस पे जो रहने वाले हैं ये आपके क्या होते हैं, बेंथिक। ये बेंथिक आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। बेंथिक या तो एपिफोनल होंगे या इनफोनल होंगे, इनफोनल, ठीक है। तो इनफोनल तो क्या होते हैं, जो सब स्ट्रेट के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो बिल बना के रहते हैं, ब्रोइंग एक्टिविटी करते हैं। विद इन द सब स्ट्रेट जो रहने वाले हैं वो आपके क्या होते हैं, इनफोनल। और सब स्ट्रेट के ऊपर रहने वाले होते हैं वो आपके होते हैं एपिफोनल। अब ये जो एपिफोनल है ये आपके दो टाइप के हैं, एक वेजाइल और एक सेसाइल, ठीक है। वेजाइल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मूव ऑन, ठीक है, जैसे चलने की आपकी कैपेबिलिटी हो, वो तो होता है वेजाइल। सेसाइल क्या होते हैं, जो परमानेंटली चिपक के रहते हैं सरफेस पे, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये सरफेस है, इस सरफेस पे परमानेंटली चिपक के रहेंगे, इसको इसको आप क्या बोलते हैं, सेसाइल, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपके कोरल्स हैं ये बेंथिक हैं और सेसाइल हैं। इसके साथ में एक प्लस पॉइंट और जोड़ देता हूं मैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके कोरल्स हैं ये आपके सेसाइल बेंथिक नेचर के हैं और किस कौन से इन्वायरमेंट में मिलेंगे अपने को, मेराइन एनवायरनमेंट में मिलेंगे, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखो जो अपन ने ग्रेड एंड बॉडी प्लान डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद में क्या हुआ था आपके एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, ठीक है। तो एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपके दो हैं, एक आपका सिंपल और एक आपका कॉम्प्लेक्स। तो सिंपलेस्ट अपन ने डिस्कस किया था पोरीफेरा और उसका दूसरा नाम दिया था अपन ने पेराजोआ, और उसका एक एग्जाम्पल जो था वो क्या था आपका, स्पंज, ठीक है, स्पंज। नाउ जो एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको अपन ने किसमें कैटेगराइज किया था, मेटाजोआ के अंदर, मेटाजोआ के अंदर, ठीक है। और मेटाजोआ के अंदर जो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट है वो आपके कौन से हैं, कोरल्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कोरल्स आपके एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और वो भी किस तरह के, सिंपलेस्ट मेटाजोआ है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अब इसके डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड इसका क्या है, बॉडी प्लान। देखो डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड में ग्रेड एंड बॉडी प्लान के ऊपर बहुत एम्फेसाइज कर रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। तो जो जीएसआई का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसके अंदर जनरल स्टडीज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलमेट ग्रेड विद ट्रू पोजेशन ऑफ केविटी, ठीक है। तो मैंने इकाइनोडर्मेटा के अंदर बताया था कि इकाइनोडर्मेटा आपके बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों शो करते हैं।
तो जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो आपके इरेगुलर इकाइनोइड्स हैं, जो नहीं करते हैं बायलेटरल सिमेट्री करते हैं वो आपके इरेगुलर इकाइनोइड्स हैं, ठीक है। और इरेगुलर इकाइनोइड्स और इकाइनोडर्मेटा के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बताए थे मैंने, वो सी अर्किन्स वाला बताया था मैंने, सी ककम्बर और सी अर्किन्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब ये चलेगा, ठीक है, जब एक बार किसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, बाद में अलग अलग एग्जाम्स में भी वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। अब कोरल्स का जो ग्रेड है वो कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड है। डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड में बेसिकली है क्या कि ये दो लेयर से बना हुआ होगा और इसके सेंटर में एक गट होगा, तो जो इंटरनल जो आउटर लेयर है इसको आप एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है इसको आप एंडोडर्म बोलते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब देखो इसमें जो मोटा मोटी अपन ने जो इसके जनरल करेक्टरिस्टिक हैं वो अपन ने देख लिए हैं, नाउ अपन इसकी डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया था असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट के एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन था, उससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि मॉर्फोलॉजी में अपने को क्या क्या डिस्कस करना, और मॉर्फोलॉजी डिस्कस करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात तो यही है कि अपन मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि आपके मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्वेटिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको लंग्स मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी दी इन्वायरमेंट वी नीड टू कंसिडर दी मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी फाइलम और क्लासेस, समझ में आ रही है बात। तो अब इसको आप ध्यान में रखना, इसके मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल सी है, इसमें देखो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया कि इसका जो डायग्राम है वो आपकी सेक लाइक बॉडी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक लाइक बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री वाला मिल रहा है, तो ये एक सर्कुलर सेक्शन है इसके टॉप प्रोफाइल में और ये कॉनिकल शेप में है, ठीक है। तो और इसके अंदर जो ग्रोथ लाइन्स मिलती हैं, ग्रोथ लाइंस, तो ग्रोथ लाइंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है दो टाइप की होती हैं, रेडियल ग्रोथ लाइन और कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन, ठीक है, रेडियल एंड कंसेंट्रिक। तो इसके अंदर अपने को दोनों ग्रोथ लाइंस मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों ग्रोथ लाइन जब मिलेंगी तो वो इंटरसेक्शन करेंगी, इंटरसेक्शन होगा तो या तो क्या होगा डिप्रेस्ड एरिया बनेगा या क्या होगा रिज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो जो रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे ये सारी की सारी क्या है, रिज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन रिज लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टल रिज। तो ये एक पहला पॉइंट है इसका मॉर्फोलॉजी का। नाउ जो कोरल्स हैं ये आपके कॉलोनी भी बना के रहते हैं और सॉलिटरी फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। अब कॉलोनी बना के रहेंगे तो पूरी कॉलोनी का एक एक्जो स्केलेटन आएगा, है ना, और सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका भी हार्ड पार्ट होगा, एक्जो स्केलेटन है इनका, ठीक है। तो आपके कोरल्स हैं जो कॉलोनी बना के भी रहते हैं, कॉलोनी और सॉलिटरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं हट रहा हूं यहां पे, अगर आपको लिखना हो तो एक बार लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, ठीक है। चलो इस कोरल्स आपके कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और सोलिटरी फॉर्म में भी रह सकते हैं। अगर कॉलोनी बना के रहेंगे तो क्या होगा, एक पूरी कॉलोनी का एक एक्जो स्केलेटन आएगा, ठीक है, और सिंगल रहेंगे तो एक सिंगल का एक्जो स्केलेटन होगा। ऑब्वियसली एक्जो स्केलेटन क्या है, स्केलेटन बेसिकली क्या, हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, सॉफ्ट ऑर्गन्स उसके अंदर रह रहे हैं, तो आपका एक्जो स्केलेटन है, अदरवाइज एंडो स्केलेटन है। नाउ देखो अब इसमें सोचो, थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे ये आपके बहुत सारे कोरल्स हैं और ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं, क्या कर के रह रहे हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ठीक है। कॉलोनी बना के क्यों रह रहे हैं वो भी अपन डील करेंगे, अभी इसके टाइप्स में डील करेंगे। तो जब ये कॉलोनी बना के रहेंगे तो एक पूरी कॉलोनी का एक एक्जो स्केलेटन आएगा, देर विल बी एन एंटायर एक्जो स्केलेटन फॉर दी कॉलोनी, ठीक है। तो अब इस कॉलोनी के एक्जो स्केलेटन को आप क्या बोलते हैं, कोरलम, कोरलम, समझ में आ गया, एक्जो स्केलेटन ऑफ द कॉलोनी ऑफ द कोरल्स, एक्जो स्केलेटन ऑफ द कोरल, कॉलोनी ऑफ द कोरल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल कोरल है उसका भी तो एक्जो स्केलेटन होगा भाई, तो उस इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म का जो एक्जो स्केलेटन होगा उसको आप क्या बोलते हैं, कोरेलाइट, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि द एक्जो स्केलेटन ऑफ द सोलिटेरी और कॉलोनी ऑफ द कोरल्स, दैट इज योर कोरलम, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ आपके पास एक ही ऑर्गेनिज्म है कोरल्स का, उसका एक्जो स्केलेटन क्या होगा, उसको कोरलम भी बोल सकते हैं, कोरेलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंगल ही ऑर्गेनिज्म है तो आप कोरलम बोलो चाहे कोरेलाइट बोलो, एक ही बात है, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब कॉलोनी में रहेंगे तो पूरी कॉलोनी का एक्जो स्केलेटन क्या होगा, कोरलम, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो एक्जो स्केलेटन होगा उसको आप बोलेंगे कोरेलाइट, समझ में आ रही है बात। इसके बाद में अपन इसका देखते हैं थिका, ठीक है। थिका क्या होता है, जैसे ये आउटर वॉल ऑफ दी कॉलोनी है और एक्जो स्केलेटन है, आउटर वॉल ऑफ द एक्जो स्केलेटन, इसको आप क्या बोलेंगे, थिका, ठीक है। अब मान लो कि किसी तरीके से ये थिका के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कोटिंग लेयर आ जाए,
इफ द आउटर वॉल ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन गेट अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देन इट इज कॉल्ड एपिथिका। जैसे मान लो कि ये आपकी एक कोटिंग होगी, ठीक है, तो इस कोटिंग को आप क्या बोलते हैं, एपिथिका, एपिथिका, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेप्टा, सेप्टा और मिसेंट्री, जिसकी मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है, कैसे हैं, देखते हैं अपन इसको। देखो यहां से मैं हटा दे रहा हूं ये सारा, देखो इसमें समझो कि जैसे आपका सेप्टा, सेप्टा मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि सेप्टा क्या होता है, इसको अपन ने सिफलोपोड वगैरह में भी डिटेल किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। सेप्टा बेसिकली आपके पार्टीशंस होते हैं, जो एक सिंपल जो यूनिफॉर्म चैम्बर होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेप्टा है कोरल्स में किस तरह से जा रहे हैं, देखो डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड है, ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक ग्रेड में ये इसका गट है और गट के बाहर ये आपके आउटर लेयर है, ये आपकी इनर लेयर है, ठीक है। तो ये वर्टिकल पार्टीशंस है बेसिकली, ठीक है। सेप्टा आर दी वर्टिकल पार्टीशन रनिंग फ्रॉम दी आउटर एक्टोडर्म टू दी सेंटर ऑफ दी गट, ठीक है। और वी कैन से दैट दीज आर दी वर्टिकल पार्टीशंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी एक्टोडर्म टू राइट एट दी सेंटर ऑफ गट, ठीक है। ये जो है इसका सेंटर ऑफ है, इसको आप क्या बोलते हैं, कोलुमेला बोलते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कोलुमेला क्या होता है। तो ये आपके बहुत सारे सेप्टा हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे सेप्टा हैं। अगर ये सेप्टा आपके एक्टोडर्म से लेकर के पूरा सेंटर तक एक्सटेंड करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्रोटोसेप्टा, प्रोटोसेप्टा और प्राइमरी सेप्टा, ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रोटोसेप्टा और प्राइमरी सेप्टा। नाउ इसके अंदर मिसेंट्रीज और है, तो मिसेंट्रीज आपकी क्या होती है, ये भी आपके बेसिकली पार्टीशंस ही हैं। पार्टीशंस होते क्यों हैं, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसको और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए उसकी इनफोल्डिंग होती है, और वो इनफोल्डिंग कैसे होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, गट से लेकर के एक्टोडर्म की तरफ जा रही होती है। अब सेप्टा और मिसेंट्रीज में फर्क समझो, मिसेंट्रीज, ठीक है, सेप्टा और मिसेंट्रीज में फर्क क्या है कि मिसेंट्रीज आर द रनिंग फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द एक्टोडर्म, और ये आपका सेप्टा क्या कर रहा है, एक्टोडर्म से सेंटर की तरफ रन कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेप्टा आपके वर्टिकल पार्टीशंस हैं और ये आपकी मिसेंट्रीज हैं, ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल पार्टीशंस है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज आती है वो केलिक्स है। केलिस का मतलब क्या है कि जैसे ये सेप्टा जो रन कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि जो सर्कुलर प्रोफाइल थी इसको इसने छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है इसको अपन बाहर निकालें, ठीक है, तो जिस इस तरह से निकलेगा या कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगुलर प्रोफाइल है इसको आप क्या बोलते हैं, केलिक्स, ठीक है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि ये केलिक्स के जो वर्टिसेज हैं, इन वर्टिसेज के ऊपर क्या होता है, डिप्रेस्ड एरिया होते हैं ये, ठीक है। तो डिप्रेस्ड एरिया एट द वर्टिसेज ऑफ द केलिक्स, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्यूजुला, फ्यूजुला, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब मान लो कि ये अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, इसकी मॉर्फोलॉजी सिंपलेस्ट में देख रहे थे। अब ये जो अपना सर्कुलर सेक्शन है इसको अपन टॉप से देख रहे हैं, ऐसे मैप व्यू में देख रहे हैं, तो इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल के यहां पे रख दिया। ये आपका क्या है, अभी टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक सेंटर में गोला दिखेगा, ये गोला क्या होता है इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसकी क्या होंगी, दो लेयर हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक्टोडर्म है और अंदर वाली आपके एंडोडर्म है। तो ये जो सेप्टा है, ये देखो आप ध्यान से बिल्कुल, ये जो सेप्टा है कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, एक्टोडर्म से लेकर के एंडोडर्म, सॉरी सेंटर ऑफ द गट, ठीक है। इनको अपन ने क्या बोला, प्रोटोसेप्टा। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये कुछ और जो सेप्टा है, ये आपके एक्टोडर्म से एक्सटेंड तो करें लेकिन सेंटर ऑफ गट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेप्टा। और उसके बाद में कुछ और देखेंगे छोटे छोटे आप, ये वाले, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, टर्सरी सेप्टा। मतलब प्राइमरी सेप्टा, सेकेंडरी सेप्टा और टर्सरी सेप्टा किस बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है, उनकी लेंथ के बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है कि एक्टोडर्म से सेंटर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहुंच पा रहे हैं तो प्राइमरी है, थोड़ा कम एक्सटेंड कर रहे हैं तो सेकेंडरी है, और कम कर रहे हैं तो टर्सरी है। अब अपने को पता कैसे चलेगा कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है, तो देखो इसमें क्या होती है कि स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली कर क्या रही हैं कि दे आर कीपिंग अवे, सॉरी, दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर आर ट्राइंग टू कीप अवे दिस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेप्टा
फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब आपके बीच में जैसे ये आपके दो सेप्टा है, ठीक है, और इसके बीच में अगर मैं आपका कोई एक रोड लाइक स्ट्रक्चर ला के रख दूँ, ठीक है, जैसे ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रही है, इन दोनों सेप्टा को एक दूसरे तक पहुँचने से रोक रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, डिसिपीमेंट्स, ठीक है, डिसिपीमेंट्स लिखा है मैंने कहीं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिसिपीमेंट्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ आपको, और उसके बाद में फिजूल अपन डिस्कस कर सकते हैं कोलियुमला। कोलियुमला क्या होता है, एक सेंटर के अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किसकी वजह से बन रहा है, जो या तो सेप्टा की अब्सेंस को बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि सेप्टा जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, कोलेप्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलियुमला जैसे मैंने आपको बताया था सिपलोपोड और गैस्ट्रोपोड के अंदर, तो गैस्ट्रोपोड के अंदर मैंने बताया था कि जब एक एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करते हैं, तो जब इनर वॉल्स आपके कोलेप्स होते चले जाते हैं, फ्यूजन होता चला जाता है, तो क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, कोलुमेला। लेकिन ये यहाँ पे अलग है, ठीक है, अलग कैसे है कि ये सेप्टा के कोलेप्स होने की वजह से बना है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, अब्सेंस ऑफ सेप्टा, ये आप ध्यान में रखना कि द कोलुमेला विल इंडिकेट अब्सेंस ऑफ सेप्टा, ठीक है। तो यह आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये इसकी जनरल सी मॉर्फोलॉजी है, बहुत सिंपल सी है। सिंपल क्या, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप ये आपके कोरलम है, कोरलम क्या है, एक्जो स्केलेटन ऑफ द कॉलोनी ऑफ द कोरल्स। कोरेलाइट क्या है, एक्जो स्केलेटन ऑफ इंडिविजुअल कोरल इन द कॉलोनी। फिर आपका थिका क्या है, थिका आपकी क्या है, आउटर एक्जो आउटर वॉल ऑफ द एक्जो स्केलेटन। एपिथिका क्या है, कि वेन दिस थिका गेट ए कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देन इट इज कॉल्ड एपिथिका। सेप्टा क्या है, आपके वर्टिकल पार्टीशन है जो एक्टोडर्म से एंडोडर्म तक रन कर रहे हैं। मेसेंट्रीज क्या है, मेसेंट्रीज आपके इन फोल्डिंग ऑफ इंटरनल केविटी टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये कहाँ से कहाँ रन कर रही है, सेंटर से एक्टोडर्म की तरफ। अब ये आपके सेप्टा और मेसेंट्रीज कोइंसाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। कैलिक्स क्या होता है, कि जो प्राइमरी सेप्टा है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर प्रोफाइल को ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल शेप होती है इसको आप क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स के जो वर्टिसेज है यहाँ पे डिप्रेस्ड एरिया मिलता है, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्यूजुला। कोलुमेला क्या है, ड्यू टू दिस कोलुमेला फॉर्म्ड ड्यू टू कोलेप्स और फ्यूजन ऑफ दी सेप्टा, सो इट विल इंडिकेट दी अब्सेंस ऑफ सेप्टा, ये आप ध्यान में रखेंगे। डिसिपीमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर दी रोड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कीपिंग अवे सेप्टा फ्रॉम वन अनदर, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका डिसिपीमेंट्स है। कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन्स मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर आपको दोनों कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन मिलेंगे, रेडियल और बाइलेटरल, और जब सॉरी रेडियल और कंसेंट्रिक, जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपकी रिज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टल रिज। तो ये इसकी जनरल सी मॉर्फोलॉजी है, बहुत ही सिंपल सी मॉर्फोलॉजी है, और अब अपन इसके डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, हर्मेटिपिक कोरल्स, अहर्मेटिपिक कोरल्स, हेक्सा कोरल्स, टेट्रा कोरल्स, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन बेसिकली, और कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, उसको अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें यार, हर जियोलॉजी स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए ताकि किसी को फ़ायदा हो सके, ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू सो मच।